फिरोजाबाद में बेसमेंट में चल रहे कोचिंग सेंटरों के खिलाफ आज प्रशासन, शिक्षा विभाग व अग्निशमन विभाग द्वारा संयुक्त रूप से की गई छापामार कार्यवाही। इस दौरान 5 कोचिंग सेंटर को सील भी किया गया। इस कार्यवाही से कोचिंग संचालकों में हड़कंप मच गया। दिल्ली के कोचिंग सेंटर में हुई घटना को लेकर आज फिरोजाबाद में सिटी मजिस्ट्रेट राजेंद्र सिंह, जिला विद्यालय निरीक्षक धीरेंद्र कुमार और अग्निशमन विभाग की टीम ने संयुक्त रूप से 5 कोचिंग सेंटरों में छापामार कार्यवाही की। इन प्रमुख कोचिंग सेंटरों में बेसमेंट में बच्चों को पढ़ाया जा रहा था। प्रशासन ने इन 5 कोचिंग सेंटरों को सील करने की कार्यवाही की। इन सेंटरों में शहर के प्रमुख कोचिंग सेंटर्स, जिसमें झा क्लासेस और रे क्लासेस भी शामिल हैं। DIOS ने बताया कि स्कूल समय में चलने वाले कोचिंग सेंटरों के खिलाफ भी कार्यवाही की जाएगी। अब से 10 दिन बाद एक बार फिर जाकर देखा जाएगा कि उन्होंने कोचिंग सेंटर बंद किया है या नहीं। चालू पाए जाने पर उनको भी सील करने की कार्यवाही की जाएगी। तनाव और स्ट्रेस वहाँ से भाग कैसे जल्दी जल्दी निकले यहाँ से। काम तो खराब हो गया। आप सील करिए, सील करो, बिना सील के कुछ नहीं है। सील ठोक दो बहन की लोड़ी पूरी नीचे से ऊपर। ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपका नाम नहीं पूछना। नहीं, आप कह रहे हो आप किस विद्यालय में पढ़ रहे हो? आप DIOS साहब हैं, जिला विद्यालय निरीक्षक। आपकी इन्फॉर्मेशन का कहीं कोई गलत शब्द नहीं होगा। हम आपके विद्यालय का नाम पूछ रहे हैं, क्या विद्यालय का नाम? अभी मैं सबसे पूछ रहा हूँ और उससे भी पूछूंगा। आप तो बताओ, अपने का आप बताओ। अरे यहाँ कोचिंग की नहीं है बात कर रहा, आप विद्यालय अपना बताइए, यहाँ आपका एडमिशन है। कोई रुचि नहीं है और अभी भी मौके पर जो है बच्चे हैं वो इतने पढ़ रहे हैं, जिसके दोस्तों का रजिस्ट्रेशन है।
रहासी हूँ जॉन मिल्टन से। ये तो देखो क्या हाल है, आप एक एक बेंच पर कितने बच्चे बिठाएंगे, इनके हाथ भी नहीं चल रहा है, ये लिखेंगे क्या? आप मतलब आप क्या समझा रहे होंगे, इसी पे बैग रखा है, एक पे एक दो तीन चार बच्चे बैठे हैं, ये क्या लिख पा रहे होंगे? बच्चे नहीं, ये आपका है, अगर बोलने में अपनी भूमिका से पीछे भगने लगेंगे जो बच्चे भी मासूम बच्चे, ये सब बैठा रहा है, कोई गाइड नहीं बनता। किस तरह की कार्रवाई की गई है कोचिंग सेंटर? यहाँ पे 5 कोचिंग सेंटर चल रहे हैं, जिनमें सभी भी बेसमेंट था उनको सबको सील कर दिया गया है। साथ ही जो कोचिंग सेंटर मानक के अनुरूप नहीं चल रहे हैं, जैसे दिन में संचालित पाए जा रहे हैं जो विद्यालय समय में है, साथ ही क्षमता से अधिक बच्चों को यहाँ बिठाया गया है, और जो टीचर्स हैं वो क्वालिफाइड नहीं हैं, उनके लिए भी इनको नोटिस जा रहा है, और इसका अनुपालन हम 10 दिन बाद पुनः फिर से एक बार करेंगे। अगर ये बंद नहीं करते हैं तो इनको भी सील किया जाएगा। कोचिंग की आड़ में स्कूल भी चलाए जा रहे हैं? हाँ, वही जो विद्यालय समय में कोचिंग चल रही है उनको बंद करने के लिए इनको बोला गया, नोटिस आज दिया जा रहा है, अगर ये बंद नहीं करते हैं तो 10 दिन बाद फिर हम पुनः आएंगे और इनको सील कराएंगे। तरह की कार्रवाई की गई है आज यहाँ पे जो है 5 कोचिंग जो है बेसमेंट जो चल रहे थे उनको चेक किया गया है, और उनको जो है अवैध चल रहे थे बेसमेंट को सील कर दिया गया। एक लाइब्रेरी भी है, और एक क्लासेस है झा क्लासेस है, 5 जो है हम लोग हासिल किए हैं। सर आगे भी इस तरह की कार्रवाई चलती रहेगी? हाँ, बीच बीच में जो है हम लोग इसको देखते रहेंगे, कार्रवाई करते रहेंगे।